जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पहुंची पुलिस पर हुआ पथराव। हापुड़ जिले के थाना पिलखुवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम गालन में देर रात बवाल हो गया। यहां दलित समाज के लोगों द्वारा गांव में ही एक स्थान पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित किए जाने पर आपत्ति जताई। इसी को लेकर दलित समाज की महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होने लगे। मौके की स्थिति को भांपते हुए पिलखुवा थाने के अलावा सीओ जितेंद्र शर्मा और अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को तितर बितर भी किया। गांव में विवाद बढ़ता देख देर रात्रि में एसपी अभिषेक वर्मा भी मई पुलिस फोर्स और पीएसी के मौके पर पहुंच गए। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा था। इसी को लेकर पुलिस पर दलित समाज के लोगों द्वारा पथराव किया गया। पुलिस ने मौके पर बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है। थाना पिलखुवा के ग्राम गालन में आज रात एक सूचना प्रकाश में आई, जिसमें पता चला कि ग्राम गालन में एक भवन के अंदर अंबेडकर जी की एक प्रतिमा बिना वैधानिक अनुमति के स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर जैसे ही सूचना मिलती है, थाना प्रभारी, सीओ और एसडीएम की टीम, प्रशासन और पुलिस की टीम वहां पहुंची। वहां पे पहुंचने के उपरांत लोगों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा पीछे से कुछ नारेबाजी की गई और वहां पे पुलिस टीम के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया गया। पुलिस टीम के ऊपर काफ़ी देर तक वहाँ पथराव भी किया गया, जिस पर कंट्रोल रूम द्वारा जब सूचना दी गई तो और थानों की फोर्स भी वहाँ मौके पर पहुँची, अन्य अधिकारी, मैं स्वयं मौके पर पहुँचा और वहाँ पे जो लोग थे उनको तितर बितर किया गया है। फिलहाल वहाँ शांति व्यवस्था कायम है। वहाँ मौके पर पुलिस को व्यवस्थापित किया गया है, पीएसी की टुकड़ी वहाँ पर तैनात है एवं कुछ ऐसे लोग जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर शरारती तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक